गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक आज आपके सामने एक ऐसा कंपैरिजन लाया हूँ भैया, जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। ये खड़ी है भाई हमारी ब्लैक सफारी डार्क एडिशन, और ये खड़ी है मेरे साथ स्कॉर्पियो एंड डार्क एडिशन। आज हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे भाई इन गाड़ियों का क्या सियापा है और क्या इन दोनों में तालमेल है और ये गाड़ियाँ किस कैटेगरी के अंदर आती है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ फ्रेंड्स, इन दोनों गाड़ियों का कोई आपस में कंपैरिजन है ही नहीं, फिर भी हम कर देते हैं ऑन व्यूअर डिमांड्स। ये है टाटा की सफारी और वो है महिंद्रा का ब्रांड है वो स्कॉर्पियो। इन दोनों के ब्रांड के नाम से मार्केट में कुछ भी बिक जाता है। ये जो गाड़ी खड़ी है मेरे सामने, इस गाड़ी का जो इंजन आता है वो 1956 सीसी का आता है और फिएट से वो सोर्स किया गया है। क्रायोटेक इंजन है ये और 170 bhp 350 nm टोक देता है। और ये जो गाड़ी खड़ी है ये भाई दो वेरिएंट में आती है, पेट्रोल में और डीजल में। पेट्रोल में इसमें 2000 सीसी का इंजन है और जिसके अंदर हमें 203 bhp मिलती है और 380 के आसपास इसमें nm टोक मिल जाती है। दूसरा इंजन इसके अंदर भैया आता है डीजल, जो 2200 सीसी का इंजन है। इसके अंदर 2200 सीसी के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलती है। 370 nm टॉर्क है इस गाड़ी के अंदर और इसका जो इंजन है वो महिंद्रा ने खुद बनाया है फ्रेंड्स। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये गाड़ी भैया फ्रंट व्हील ड्राइव में आती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है ये हमारी टाटा सफारी, और वो जो स्कॉर्पियो वैन है वो रियर व्हील ड्राइव में आती है। जो हमारी स्कॉर्पियो वैन है ये बॉडी ऑन फ्रेम है, इसलिए थोड़ी इसकी जो राइड होती है थोड़ी सी अलग मतवाली चाल में चलती है। ये टाटा सफारी हमारी मोनोकॉर्क चेजिस पे आती है, वो हमारी बॉडी ऑन फ्रेम है, इसलिए इस गाड़ी की जो राइड होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। गाड़ी रोड से चिपक के चलती है, फ्रंट व्हील ड्राइव है ये गाड़ी डार्क एडिशन में। कितनी खूबसूरत लग रही हैं दोनों की दोनों गाड़ियाँ। हमारी सफारी का जो स्टेयरिंग है ये स्टेयरिंग भैया हाइड्रोलिक होता है, फ्रस्ट है। और जो हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो एन के अंदर, जो स्टेयरिंग है वो इलेक्ट्रिक दिया जाता है। इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग जो होता है वो काफ़ी हल्का होता है गाड़ी को चलाने में। तो ये स्टेयरिंग है सामने आपका हाइड्रोलिक टाटा सफारी का, और वो है सामने हमारी स्कॉर्पियो एन का इलेक्ट्रिक। ये गाड़ी जो आपकी है स्कॉर्पियो एन, ये रियर व्हील ड्राइव है, ये पिछले पहियों पे ताकत होती है इसके अंदर। हमारी सफारी जो है ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, इसमें सारी की सारी जो जान होती है, जो चक्के चलते हैं वो आगे वाले पहले चलते हैं इसके अंदर। सस्पेंशन पेंटालिक सस्पेंशन है इस स्कॉर्पियो एन के अंदर, काफ़ी अच्छा है। गड्ढों पे ये गाड़ी आसानी से निकल जाती है और ड्राइवर को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये गाड़ी जो है लैंड रोवर ओमेगा आर्क, और इस गाड़ी का सस्पेंशन भी वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव देती है गाड़ी आपको। ये तीन मोड मिलते हैं आपको, जिप जैप जूम, लेकिन वो सिर्फ आपको डीजल में मिलते हैं, पेट्रोल में ऐसा कोई भी मोड आपको नहीं मिलता है। और 4x4 भी आपका इसके अंदर डीजल में आता है, लेकिन सफारी के अंदर आपको तीन एक्स्ट्रा मोड मिल जाते हैं। इसका नंबर है वेट रफ मोड आपको और मिल जाते हैं इसके अंदर, आपको 4x4 में भी अवेलेबल है, 4x4 में अवेलेबल है। लेकिन ये वाली गाड़ी के अंदर 4x4 नहीं है, फ्रंट व्हील होने के कारण कहीं ना कहीं फंस जाती है। लेकिन स्कॉर्पियो एन आपकी 4x4 होने के कारण इजीली ऑफ रोडर को भी ये गाड़ी बहुत पसंद आती है। ग्राउंड क्लियरेंस स्कॉर्पियो एन की ग्राउंड क्लियरेंस फ्रेंड्स 187 mm है, और सफारी की ग्राउंड क्लियरेंस कहने को 205 है, मगर आगे इंजन की सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन लगा जाता है, जिसके कारण इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm रह जाती है। इस गाड़ी के अंदर जो टायर आते हैं 17 inch मिलते हैं, एक Z8L टॉप एंड मॉडल में 18 inch के मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में XT+ के बाद आपको 18 inch के अलॉय मिलने शुरू हो जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर 6-seater और 7-seater दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ये है हमारी सफारी, इसी तरह से स्कॉर्पियो एन के अंदर भी आपको 7-seater और 6-seater के दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के अंदर एक दिक्कत आएगी, जो सेकंड रो है इसके अंदर AC वेंट सिर्फ यहाँ दिया गया और वहाँ दिया गया, लेकिन इस मुकाबले में अगर मैं बात करूँ आपकी इस गाड़ी की, तो इसके अंदर ये जो AC वेंट दिए हैं बहुत ही सॉलिड है भैया, काफ़ी सॉलिड AC है सेकंड रो का। लेकिन थर्ड रो में कोई भी AC प्रोवाइड नहीं किया गया है स्कॉर्पियो एन के अंदर। स्टोरेज, अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो भैया स्कॉर्पियो एन के अंदर स्टोरेज का मतलब डिग्गी से नहीं है, आगे ग्लव बॉक्स का है। यहाँ पे स्टोरेज काफ़ी कम दिया गया है, काफ़ी कम स्टोरेज है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन सफारी के अंदर ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी आपको स्टोरेज की दिक्कत इस गाड़ी में नहीं होती है, भर सकते हैं, ऊपर भी जगह दी गई है रखने के लिए,
ये भी जगह है, यहाँ पर भी आप देखिए कितना गहरा है ये, पानी की बॉटलें भी इसमें काफ़ी सारी आ जाती है। तो इस वाली स्टोरेज के अंदर सफारी काफ़ी आगे निकल जाती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिग्गी, इस गाड़ी की जो डिग्गी है वो इस तरह से खुलती है, आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ता है और काफ़ी ये डिग्गी आपकी खुल जाती है और डिग्गी खुलने के बाद आपको ये स्पेस मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी स्कॉर्पियो एन की, तो स्कॉर्पियो एन की डिग्गी है वो ऐसे बन जाती है और इसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। प्राइस की बात करूं तो ये गाड़ी आपको मिनिमम 17 से 18 लाख रुपए की पड़ती है, चाहे मॉडल नीचे वाला हो चाहे मॉडल आपका ऊपर वाला हो, 17 से 18 लाख में आपको कोई से कम में कोई मॉडल नहीं मिलता। लेकिन स्कॉर्पियो एन आपको 14 से 15 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको मिल जाती है, Z2 मॉडल की बात कर रहा हूँ बेसिक। लेकिन सफारी जो है वो कम से कम 17 से 18 लाख रुपए चाहिए इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। वेटिंग इस गाड़ी के अंदर 2 महीने की वेटिंग चल रही है और इस गाड़ी के अंदर कम से कम 6 से 12 महीने की वेटिंग है, डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट आप ख़रीद रहे हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में सफारी आती है, इसी तरह से स्कॉर्पियो एन भी दोनों ही ट्रांसमिशन में आती है, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो। माइलेज की बात करूँ तो माइलेज के मुकाबले में बताता हूँ, उसका इंजन है 1956 cc का और ये है 2200 cc का। तो इस गाड़ी की माइलेज आती है सिटी में हाईवे पे मिक्स करके 16 की, और इस गाड़ी की आती है 18 आती है हाईवे पे, और सिटी में मिला दूँ तो 15-16 की माइलेज दे देती है। सफारी की माइलेज ज़्यादा है क्योंकि इसका इंजन कम पावर का है और छोटा है, 1956 cc का फीएट सोर्स इंजन है, ये महिंद्रा का है, थोड़ी सी इसकी माइलेज कम है। सफारी का जो टैंक आता है वो 50 लीटर का आता है और स्कॉर्पियो एन का जो टैंक है वो 57 लीटर का है। फ्यूल टैंक इसमें बढ़ा दिया है क्योंकि इसकी माइलेज जो है वो कम है, उसमें फ्यूल टैंक 50 लीटर का है क्योंकि इसकी गाड़ी की माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। आप इस गाड़ी को वन टच से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन सफारी में ऐसा कोई फीचर अभी तक नहीं आया हुआ है। ये जो स्टीयरिंग है सामने, ये टेलीस्कोपिक भी है, टिल्ट भी है, अप डाउन कर सकते हो, लेकिन सफारी का जो स्टीयरिंग है उसको आप टेलीस्कोपिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्कॉर्पियो एन में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं हाइट की, लेंथ की, विड्थ की, तो हर चीज़ में सफारी से बड़ी है स्कॉर्पियो एन। इसकी हाइट भी, लेंथ भी, विड्थ भी, और सफारी का थोड़ा ही फर्क है, लेकिन हाइट वगैरह में सफारी थोड़ी सी नीचे रह जाती है। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, थाई सपोर्ट की बात करूं, तो सफारी के अंदर ये दोनों चीज़ें और ड्राइविंग कंफर्ट दोनों ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर स्कॉर्पियो एन। हाईवे पे ये गाड़ी 160 पे स्टेबल रहती है, लेकिन वो गाड़ी 140 के ऊपर हिलनी शुरू हो जाती है, ये भी मेरा एक फीडबैक आपको। फुटस्टेप की बात करूँ तो महिंद्रा इस गाड़ी में फुटस्टेप लगा के देता है, Z2 मॉडल को छोड़ के हर गाड़ी के अंदर है, लेकिन 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 सफारी के अंदर ये फुटस्टेप आपको बाहर से लगवाना पड़ता है, ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर डिस्क ब्रेक आते हैं, ये भी आपके सफारी में भी डिस्क ब्रेक है, इसमें भी डिस्क ब्रेक आते हैं। लेकिन अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो इस गाड़ी के ब्रेकिंग स्कॉर्पियो एन के जो ब्रेक हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर लगे उस गाड़ी से। वो गाड़ी स्किड कर जाती है जब हाई स्पीड पर ब्रेक मारते हो, लेकिन स्कॉर्पियो एन स्टेबल रहती है, दाएँ बाएँ नहीं भागती, ड्राइवर को बहुत कम्फर्ट रहती है कि भाई ब्रेक मारे हैं गाड़ी रुक जाती है। एन वी एच लेवल स्कॉर्पियो एन में काफ़ी कम है, इसके अंदर थोड़ा डीजल में जब गाड़ी स्टार्ट करते हो आप तो थोड़ा सा ज़्यादा शोर रहता है। केबिन नॉइस स्कॉर्पियो एन के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा सफारी के इंजन में ज़्यादा आवाज़ मैंने महसूस की है। सफारी का ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये हुंडई से सोर्स किया गया है, हुंडई से सोर्स करने के कारण ये बहुत ही स्मूथ है। स्कॉर्पियो एन का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो महिंद्रा का अपना आता है, लेकिन सफारी के अंदर ये हुंडई का है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी का है ये। मैनुअल ट्रांसमिशन जो सफारी के अंदर है वो फीएट से सोर्स किया गया है। टॉर्क कन्वर्टर इसके अंदर बहुत ही अच्छा है, ऑटोमेटिक गाड़ी अगर चलाते हैं सफारी तो बहुत मज़ा आता है। वेंटिलेटेड सीट मिल जाती हैं आपको इस गाड़ी के अंदर, लेकिन 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 आगे भी मिल जाती हैं, पीछे भी मिल जाती हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलती हैं। और अगर इस गाड़ी की मैं सीट की बात करूँ तो जब आप इन सीट को फोल्ड करते हैं, सफारी में खास बात है ये बिल्कुल प्लेन बन जाती हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन के अंदर जब सीट फोल्ड भी कर देते हैं तो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ तरीके से फोल्ड होती है वो, उसमें मज़ा नहीं आता। और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है,
सफारी गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा इंटीरियर प्रोवाइड किया है टाटा ने अपनी गाड़ी को बेस्ट कार बनाने के लिए। डार्क एडिशन है ये, लेकिन स्कॉर्पियो एन के अंदर भी है, लेकिन स्कॉर्पियो के टॉप एंड मॉडल के अंदर भी इतना अच्छा इंटीरियर नहीं आता है फ्रेंड जितना कि सफारी के अंदर आता है। फ्रंट लुक ऐसी आती है इसकी, इसके अंदर आपको LED प्रोवाइड किए गए, लेकिन नीचे वालों में हैलोजन ही मिलता है। ऐसे ही ऊपर वाले मॉडल के अंदर आपको हाई बीम लो बीम LED मिल जाते हैं। फ्रंट लुक काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, लेकिन उस गाड़ी के चाहने वाले बहुत है। जो गाड़ी हाई स्पीड चलाना चाहता है, हाई स्पीड वाली गाड़ी वो है ये। 140 के बाद थोड़ी हिलने डुलने हो जाती है। बहुत ही कंफर्टेबल, दोनों ही गाड़ी है बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन सफारी ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्कॉर्पियो अगर आपने चलानी है भीड़ भाड़ के अंदर, तो अगर मैनुअल भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे पास ये वाली गाड़ी है और आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं और गाड़ी मैनुअल है गलती से, तो आपको नानी दादी याद करा देगी। इस गाड़ी में मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हो आप ट्रैफिक जैम के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस गाड़ी का ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है जो हुंडई से सोर्स किया गया, वो एकदम मस्त है भाई, एकदम मस्त है। ले लीजिए ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में मैं आपको ज़रा ये देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस इससे कहने को ये 209 mm है, लेकिन एक्चुअल में वो 187 है, बट वो एक्चुअल में आपको कवर देती है, आपको देख के मालूम पड़ जाएगा। ये अटक जाता है मैक्सिमम इसकी 160 mm है, जो मैंने चेक किया था। इसके DRL इसमें भी हैं, DRL उसमें भी प्रोवाइड किया कंपनी ने आपको। फ्रंट व्हील ड्राइव है, सारी की सारी पावर आपकी इन टायरों के अंदर है। ये रियर व्हील है, और रियर व्हील के साथ साथ आपको स्कॉर्पियो N 4x4 में भी मिल जाती है। ये सफारी है बट ये 4-wheel drive और ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 में नहीं है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल में मिलती है, डीजल में मिल जाती है, 4x4 मिल जाती है, 2-wheel drive मिल जाती है। मतलब इस गाड़ी में वैरायटी बहुत है आपके पास। इस गाड़ी में वैरायटी कम है, जिसको लेना भाई ये एक ही इंजन मिलता है इसमें, ये फिएट सोर्स, और इसमें इंजन भी अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर आपको पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो भैया, 4x4 ले लो, काफ़ी अच्छी वैरायटी कस्टमर को मिल जाती है लेने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो वेटिंग है भाई, वो 6 महीने से लेके 12 महीने है, डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल खरीद रहे हो। और इसके अंदर आपको 1.5 से 2 महीने में आपको डिलीवरी मिल जाती है, लेकिन इसमें ही फेसलिफ्ट आ गया। इसमें भी अब 360 डिग्री कैमरा अढ़ास भर आ गया, उसमें अभी 360 डिग्री कैमरा किसी मॉडल में अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्रेक प्रोवाइड किया गया जो स्कॉर्पियो में नहीं आता है। हील होल्ड कंट्रोल इस गाड़ी में भी है, उसमें भी है। ABS इन दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड है, और इसके अंदर सिटी मोड भी आता है। बाय डिफॉल्ट ये गाड़ी सिटी पे स्टार्ट होती है, उसमें जिप जैप जूम है, जैप पे ही चलती है। वैसे अगर मैं कंपेयर करूँ उसका जिप मोड और इसका इको मोड, दोनों में फ़र्क है। इसके इको मोड में ज़्यादा पावर है, वो जब जिप पे होता है तो बता देता है मुझे। क्रूज उसका भी उसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। इसके अंदर सामने स्क्रीन अवेलेबल है, उसके अंदर भी इसमें पुश बटन स्टार्ट, उसमें भी पुश बटन स्टार्ट आपको मिल जाता है। फ्रंट लुक इस गाड़ी का ऐसा मिलता है। बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में क्या है, सनरूफ। सफारी की जो सनरूफ होती है, पैनारोमिक सनरूफ है, बहुत बड़ी सनरूफ मिलती है, और स्कॉर्पियो एन में छोटी सनरूफ मिलती है, सिर्फ मून सनरूफ कहते हैं उसको। पर इसकी जो सनरूफ है वो बहुत 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 बड़ी सनरूफ इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। हालांकि इसके अंदर ORVM जो है बहुत ही छोटे हैं, जैसे आप गाड़ी खोलते हैं तो ये ORVM खुल जाते हैं। स्कॉर्पियो एन के ORVM बड़े जरूर हैं, लेकिन जब गाड़ी ओपन करते हो तो ये ORVM गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही खुलते हैं। इस गाड़ी के अंदर दोनों तरफ से कीलेस एंट्री है, यहाँ से भी घुस सकता है पैसेंजर, उधर से भी घुस सकता है। और ये इसका देखते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड मैंने इस गाड़ी को रिक्लाइन किया है, तो आप देख लीजिए इस गाड़ी का जो रिक्लाइन होने का है। मैं इस गाड़ी में बैठा था सफारी के अंदर, इसे कहते हैं रिक्लाइन। ये बीच वाली सीट है फ्रेंड, पूरी की पूरी रिक्लाइन हो जाती है। ये भी पूरी रिक्लाइन हो गई है, जो आदमी आराम करना चाहता है वो आराम से बैठ के इसमें आराम कर सकता है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बॉस मोड, ये फ्रेंड इसके अंदर है, ये किया मैंने किया, ये देखिए देखिए गाड़ी के अंदर कितना स्पेस बच जाता है। आप इस गाड़ी के अंदर आराम से आलती पालती मार मार के बैठ सकते हैं। सफारी की सीट रिक्लाइन भी होती है, मुझे नहीं पता वो जो 6-seater है गाड़ी स्कॉर्पियो एन की, उसकी रिक्लाइन होती नहीं होती, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। लेकिन ये गाड़ी सीट रिक्लाइन हो गई है, पैसेंजर सीट की बात कर रहा हूँ, आप इसमें आराम से रेस्ट करके आगे जा सकते हैं। दिक्कत यह है सेकेंड रो में, ये जो AC है ये यहाँ पे एक AC वेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई AC वेंट नहीं, लेकिन है कि मोबाइल होल्ड कर सकते हो आप, और उधर भी दिया हुआ। तो इस गाड़ी का जो दिक्कत है, बीच वाले पैसेंजर को हमेशा की हमेशा एक दिक्कत रहेगी, ठंडा बहुत देर में करता है। लेकिन स्कॉर्पियो एन का AC बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके अंदर आपको थर्ड रो में भी दिया गया है,
बॉटल होल्डर भी दिया गया है, यूएसबी चार्जर भी दिया गया है। यहाँ भी देखिए दो यूएसबी दिए गए हैं। पता नहीं मुझे जो हमारी स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल है शायद उसके अंदर दिए हों, लेकिन हमारा Z4 है उसके अंदर नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये कुल मिला के हमने आपको बताया है क्या बिग डिफरेंसेस है सफारी के अंदर और स्कॉर्पियो एन के अंदर। दोनों ही गाड़ी का वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस गाड़ी का जो कंपैरिजन है वो भाई XUV700 से, अल्काज़ार से है, AMG हेक्टर प्लस से है, स्कॉर्पियो एन से नहीं। पर फिर भी मैंने कर दिया बताने के लिए, ये गाड़ी एक अलग कम्फर्टेबल लेवल वाली गाड़ी है। सनरूफ देखिए कितनी बड़ी है, फ्रंट देखिए कॉकपिट कितना स्ट्रांग है इसका, और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बहुत ही इजी है। बट इस गाड़ी की दिक्कत यह है कि ये सिटी में चलाइए इस गाड़ी को, ये फोर व्हील ड्राइव भी नहीं है, ये ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं है, और ये गाड़ी भाई 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 4x4 भी नहीं है। स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है, इस गाड़ी को अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको 4x4 का भी काम करता है और इसकी ड्राइव भी बहुत ही मस्त है। तो ग्राउंड क्लियरेंस आप खुद देख सकते हैं, इस गाड़ी का फुटस्टेप और इस गाड़ी का फुटस्टेप में आप खुद देख लीजिए कितना फ़र्क है। ये गाड़ी कम से कम 2 इंच ऊपर है इससे, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई इस गाड़ी की काफ़ी ऊंची है इस गाड़ी से। लेकिन हाई स्पीड पे ऐसी गाड़ियाँ मोनोकॉर्क चेजेस पे जो गाड़ियाँ बनती है हाई स्पीड पे बहुत कंफर्ट देती है, वो गाड़ी बॉडी ऑन फ्रेम होने के कारण हाई स्पीड पे इतना कंफर्ट नहीं देती। लाइटों का थ्रो सफारी का बहुत वीक है, आपको लाइट चेंज करानी पड़ेगी। भाई ने भी चेंज नहीं कराई है, हेलोजन ही लगे हुए हैं, लेकिन LED प्रोवाइड करता है आपको स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा वाले करते हैं। तो इस गाड़ी में आपको हेडलैम्प इमिजिएटली चेंज कराने पड़ेंगे। सफारी की बैजिंग फ्रंट पे है, उसका वहाँ पे नहीं है। इसकी डिग्गी भी काफ़ी मस्त तरीके से खुलती है, स्कॉर्पियो एन की जो डिग्गी है वो काफ़ी ईजी टू ओपन है, लेकिन इसको खोलने के लिए भाई साहब बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और एक बताता हूँ बड़ा इशू क्या है भाई इस गाड़ी के अंदर, एक बहुत बड़ा इशू है वो बताता हूँ। यहाँ पे दिया गया है भैया आपका, यहाँ पे दिया है इन्होंने आपका DEF डलवाना है इस गाड़ी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है DEF। लेकिन महिंद्रा में अगर आपने DEF डलवाना हो, क्योंकि अगर आप टूर पे गए हैं, टूर में अगर गाड़ी में बहुत सारा सामान भरा आपके, तो आप कैसे करेंगे। इसके अंदर देखिए आप DEF यहाँ दिया हुआ है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छी R&D की है। उसमें अगर सामान ठूस लिया आपने तो भाई साहब नानी यानी दादी याद आ जाती है। इसके अंदर DEF डलवाने के लिए बहुत मुश्किल है इस गाड़ी के अंदर, और डिग्गी उठानी किसी फीमेल से तो ये डिग्गी उठानी बहुत मुश्किल है। ये डिग्गी आप इजीली खोल सकते हो, इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन 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 एक दिक्कत हो रहा है इसके अंदर, ये जो सीट्स हैं ये ऐसे डिग्गी खुलती है, ये ज़ीरो पे नहीं आती है, लेवल ज़ीरो हो जाता है। लेकिन इसका सफारी का ज़ीरो हो जाता है तो इजीली आप बेड बना सकते हो, इसमें बेड बनना बहुत मुश्किल है। इसमें 12 वाट का सॉकेट भी बहुत गलत जगह पे दे रखा है, देख लीजिए उसके अंदर नहीं दे रखा है, उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है। आप इजीली उसके अंदर हवा भर सकते हैं, आपके पास कोई भी पंप छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा। इंटीरियर आप देख लीजिए, ग्लव बॉक्स, मैंने स्टोरेज की, इसमें ही स्टोरेज की बात करता हूँ, ये ग्लव बॉक्स बहुत छोटा है, डैशबोर्ड भी बहुत छोटा है इस गाड़ी का। इसमें जिप जैप जूम 3 मोड दिए गए हैं, ये 4-wheel ड्राइव नहीं है, लेकिन ये याद रखना जिप जैप जूम जो ड्राइव है ये सिर्फ डीजल में आता है, पेट्रोल में नहीं आता। ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं ये भाई सिर्फ महिंद्रा का ही है, पता नहीं कौन बनाता है पर ये महिंद्रा का ही प्रोवाइड किया गया है। कैमरा इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन बड़े वाले मॉडल में आता, लेकिन वो यूजलेस है। 360 कैमरा इसमें नहीं आता। इसमें ये जो ऑटो ना जब रेड लाइट पे गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है वो उसमें सफारी में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में ये ऑप्शन है इसके अंदर। इसके अंदर ये आप देख लीजिए हिल्स डिसेंट कंट्रोल भी है, ड्राइव मोड भी दे रखा है, AC इसमें मैनुअल आता है, लेकिन ऊपर वाले मॉडल में स्कॉर्पियो एन में आपको जो AC है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है, उसके अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स कि आपको ये जो ब्लॉग मैंने बनाया है थोड़ा सा लंबा हो गया, काफ़ी पॉइंट्स की क्लैरिटी हो गई होगी। तो अब आपने सफारी खरीदनी है सफारी खरीदो, स्कॉर्पियो एन लेनी है स्कॉर्पियो एन लो। लेकिन एक बात है, ये गाड़ी भी 25-26 रेंज में आती है, ये गाड़ी भी 25-26 की रेंज में ही आ जाती है। अब बुलाएंगे हम सफारी के ऑनर को और उनको बोलेंगे कि भाई एक बार हमारी स्कॉर्पियो एन चलाओ और बताओ कि इस गाड़ी में जो ऑटोमेटिक चला रहे हो तो क्या कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है। जेन्युइन फीडबैक उनका आपसे शेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड आई थिंक सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद जय भारत। भाई सफारी के डार्क एडिशन के ऑनर को देखो, बिल्कुल भाई भी डार्क एडिशन के उसमें आया है। पहला फर्क तो चाबी का ही चाबी का आ गया। पहले वो देख रहे थे कि उसके अंदर चलने का वो है, बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है। ये सबसे अच्छा लगा
पकड़ के ऊंची गाड़ी, अब फीलिंग आई है कि हाँ ऊंची गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा जी, अच्छा हम आपको देखो, ताकि आपको हेल्प हो जाए। सबसे अच्छी चीज मेरे को इसके अंदर यही लगी है कि हमें आगे बोनेट से नीचे सब कुछ दिख रहा है, उसके अंदर वो चीज फीलिंग नहीं आती है।